अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ, जिसका उनवान है कि मैनुअल गाड़ी को किस तरह चलाया जाता है। मतलब तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट शेयर कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। चले शुरू करते हैं दोस्तों, हमारे पास है ये शायद और गाड़ी, इस पर आज आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको मतलब मैनुअल गाड़ी को चलाया जाता है। सबसे पहले आपने क्लच को दबा लेना है, ये देखे जिस जैसा कि मैंने दबा लिया, इससे ये दबा लिया, प्रेस कर लिया। उसके बाद आपने इस स्विच को ऑन करना है। ये जो डीजल गाड़ी होती है, इसका होता है फिल्टर लगा हुआ। ये जितने टाइम ये आवाज़ करेगी, उतने टाइम आपने सेल्फ नहीं चलाना। अभी ये रुक गया है, ये देखें लाइटें सामने आ चुकी हैं, ऑयल वाली, ब्रेक वाली और बैटरी और जनरेटर वाली, मतलब आपके ओके हैं। अभी आप तैयार हैं कि आप इसको ड्राइव कर सकते हैं। अभी आप इसको सलफ लगाते हैं, ये देखें सलफ लग चुका है। तो अभी इसका हमने गियर को न्यूट्रल कर दिया। ये न्यूट्रल का तरीका कार होता है कि ये लीवर है ना, इसको पकड़ें, ये ज़्यादा प्ले आए तो समझें कि न्यूट्रल है। अगर ये मिसाल गियर में है ना, अभी इसको देंगे तो वो कम प्ले होगी, वो समझ लें कि वो न्यूट्रल नहीं है गाड़ी। ठीक हो गया जनाब। तो इसका पहला जो गियर होता है, ये इस तरह किया, लेफ़्ट किया ऊपर, ये इसका फर्स्ट गियर लग चुका है। अभी इसको इसी सिमत में पीछे लेके आना है, लेफ़्ट साइड पे ये दूसरा लग गया। यहाँ से उठा के ये सेंटर में आ जाएगा, सीधा आगे करेंगे ये तीसरा, तीसरे के बिल्कुल पीछे ले आएंगे चौथा, और चौथे से उठा के राइट पे जाके ऊपर करेंगे पांचवा। अभी हमने रिवर्स जाना है, तो ये न्यूट्रल होगी गाड़ी। अभी इसको ये पीछे किया, ये न्यूट्रल लग चुका है। ये इसका मेथड है। तो और मज़ीद इसके बारे में आपको अगली वीडियो में मैं बताऊंगा आपको। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर नहीं भी आई, कोई चीज़ रह गई है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नई वीडियो में।